तो गाइस यार अभी मैं आपको मिलवाता हूँ सिद्धू मूसेवाला के एक ऐसे फैन से जिन्होंने अपनी बाँह पर सिद्धू मूसेवाला जी का टैटू जो है वो गुदवाया हुआ है। तो चलिए उनका वो टैटू देखते हैं। भैया वो टैटू दिखाना सिद्धू मूसेवाला जी का। ये देखिए गाइस यार, ये आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा सिद्धू मूसेवाला जी का टैटू, उनके एक फैन द्वारा अपने हाथ पर जो है गुदवाया गया है। तो भाई का नाम जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से हो भैया? अच्छा भैया, भाई के फैन हो? अमृत मान जी के गाँव से हो आप? तो भाई के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई को जो है अभी तक भाई को न्याय नहीं मिला और भाई के न्याय के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। भाई तो यही चुने जी सही तो सही भी न्याय मिले जेडे लॉर्ड सुबिश्नोई या तो गोल्डी बराड़ इन्होंने गोली मार जी। तो भाई अब तक जो है एक टैक्स पेयर आदमी, एक ऐसा सिंगर जिसने पूरे भारत को, जिसने पूरे पंजाब को वर्ल्ड लेवल पर जो है नाम उसका बनाया और हर बार जो है टॉप चार्ट में उनके गाने आते थे, एक ऐसे सिंगर को अब तक पंजाब पुलिस या फिर कह सकें कि इंडिया की पुलिस न्याय नहीं दिला पाई कोई भी एजेंसीज, तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? और एक ऐसे नामी गिरामी सिंगर और जिनके पीछे अब सिर्फ उनके माँ बाप ही रह गए हैं, उनको अभी तक न्याय के लिए कैंडल मार्च तक निकालने पड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, हम वहाँ से इसलिए आए हैं, कैंडल मार्च के लिए आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी चुना भी न्याय मिले और माँ प्यो की कह सकते हैं, माँ प्यो धोखा पता चल बग जाएंगे तो हूँ बग जाएंगे घंटे बग जाएंगे पर माँ प्यो धोखा सारा सारा दुख माँ बाप के ऊपर ही है और वही जानते हैं कि असली इमोशंस क्या हैं। बाकी मैं 5 CR ही मिलेंगे भाई नु, बहुत वधिया नेचर है भाई का। अच्छा 4-5 बार आप मिल भी चुके हैं उनको? भाई को 4-5 बार मिले हुए हैं, गाना भी सुनाया भाई ने। तो तभी उनसे इंस्पायर हो गए उनका टैटू आप भाई ने, हम भाई को मतलब जिस दिन 29 तारीख को गोली बजी है हम 4-5 दिन पहले मिल के गए थे भाई। जी तो आप लोग देख सकते हैं लोगों के इमोशन, जो उनके फैन हैं उनके इमोशंस कि सिद्धू भाई को न्याय। एक गल सुना भी गोली बराड़ नु गोली मार जी, उन्हें अब तक जेलों में क्यों रखा गया है ये भी कहना है उनके फैंस का। जो टैक्स पेयर है उसे सिक्योरिटी नहीं, और जिनको पहले से थ्रेट है, और दिल्ली पुलिस ने भी बोल दिया था कि इनको पहले से थ्रेट है, इनको सिक्योरिटी नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को सिक्योरिटी देती है। लॉरेंस बिश्नोई को तो बुलेट प्रूफ गड्डी देती, इन्हें सिक्योरिटी देती, हजे भी सिक्योरिटी है, यही गल चुने भी उन्होंने गोली मार देना बस जी। धन्यवाद दोस्त। एक बार फिर से मैं भाई की बाजू पर सिद्धू मूसेवाला जी का टैटू जो है उसे दिखाने की कोशिश आप लोगों के सामने करूंगा। ये देखिए बिल्कुल जैसे आज भी सिद्धू मूसेवाला जी कहीं ना कहीं जी रहे हैं उनके फैंस के दिल में। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਗਾਣੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਕਲਚਰ ਪਰ ਗਾਣੇ ਗਾਤੇ ਥੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਭੀ 295 ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਭੀ ਮਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਭੀ ਫਾਦਰ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ, ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤ।